बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नए वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँ, मेराज फातिमा। आज की रेसिपी का नाम है खड़ी दाल, जो कि सूखी दाल भी बोलते हैं। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। उससे पहले जो कोई भी मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, ताकि मेरे हर रोज़ नए वीडियोज़ जो भी आते आप लोग को जल्दी से उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप सब मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। चलिए शुरू करते हैं इंग्रेडिएंट्स के साथ आज की खड़ी दाल। शुरू करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। हरा धनिया पूरा 1 bunch, हरी मिर्च 2 ऐसे छोटे छोटे पीसेस करे हुए, 1 बड़ा ऑनियन जिसको पतला सा स्लाइस कर लें, लाल मिर्च 1 teaspoon, क्रिस्टल सॉल्ट 1 teaspoon, हल्दी 1/4 spoon व 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट। दाल हमें चाहिए 150 grams, ऑयल हस्ब जरूरत। चलिए अब ये खुले से बर्तन में ऑयल ले लेते हैं, 3 to 4 tablespoon ऑयल। इसमें चाहिए ऑनियंस। ये रेसिपी बताने का एक और मकसद भी है कि ये मिडिल ईस्ट में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं या फिर अब्रॉड जो बच्चे काम करने पढ़ने के लिए जो जाते हैं उन लोग को मदद हो जाए। ये इजी एंड वेरी क्विक रेसिपी है, बना लेंगे तो टिफिन में भी काम आ जाएगा और उन लोग के नाश्ते के लिए भी काम आ जाएगा। ऑनियन हमें अच्छी सी फ्राई करनी है, बस गोल्डन होने से जो फर्स्ट स्टेज पहले होता है ना वैसी पूरी हो जानी चाहिए ऑनियन। फिर हम इसमें पूरे मसाले डालेंगे। आपको अगर ऑनियन कम लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन मैं इतनी ऑनियन लेती हूँ। अच्छे से फ्राई कर लें ऑनियंस को, और अच्छे से फ्राई होनी चाहिए। अब ये स्टेज पे हम डालेंगे इसमें ग्रीन चिलीज। बहुत इजी और क्विक रेसिपी है और जल्दी से बन जाती है और मज़ेदार भी है। मेरे बच्चों को ये रेसिपी भी मेरी बहुत पसंद है। देखिए अब ये ऑनियन तैयार हो गई। अब ये स्टेज पे हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा केयरफुल डालें इसलिएगा आप इसको को। दाल को मैंने भिगो कर रख लिया था, आप जब का जब भी वॉश करके डालते हैं। इसका मैं पानी निकाल के सिर्फ दाल डालूंगी। देखें ऐसा दाल से मैंने पानी निकाल लिया है और अदरक लहसुन नमक और हल्दी के साथ इसको मैं ऑनियंस में फ्राई करूंगी। 1-5 मिनट हम इसमें फ्राई करते हैं। भिगो के रखने के लिए ये दाल अगर बनाओगे तो आप सिर्फ 1/2 glass पानी में हो जाएगी, वरना 1 glass पानी लगेगा। और ये दाल पूरी ना गले, पूरी गल जाएगी तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता अगर ये दाल खड़ी हो, क्योंकि इसलिए खड़ी खड़ी दाल कहते हैं इसे। खड़ी दाल हो तो ही मज़ा आएगा इसका। अब इसमें डालेंगे हम हरा धनिया जो भी हमने कट करके रख लिया था। ऐसे कंपलसरी नहीं है हरा धनिया नहीं मिलेगा तो अच्छा नहीं बनेगा, वैसा कुछ नहीं है। अगर बिना हरे धनिया के भी आप बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं। मैं डालती हूँ, फ्लेवर अच्छा है, मिक्स होकर अच्छा आता है दाल के साथ। मैं डालती हूँ कंपलसरी। अब इसमें जाएगी मिर्च पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बाज लोग इसमें सोया की जो भाजी होती है ना, सोया की जो लीव, सोया भी डालते हैं। मैं भी डालती हूँ लेकिन वो अलग बनाती हूँ। बस थोड़ा सा इसमें धनिया कम कर दे के मैं सोया की भाजी डालती हूँ इसमें, वो भी बड़ा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी बनती है। आप लोग वो भी ट्राई करिए।
परफेक्ट कंडीशन है। अब हम इसमें पानी डालेंगे, हसबे जरूरत डालिए। अगर आपको बिल्कुल खड़ी दाल चाहिए तो बिल्कुल थोड़ा लगता है, मैं थोड़ी पकी हुई थोड़ी खड़ी भी रखना चाहूंगी, तो इसलिए मैंने एक गिलास पानी डाला है इसमें। और शाम में ही ठहर के इसको बना लें, बहुत जल्दी बनती है, इसको रखकर ना छोड़ दें क्योंकि पानी बहुत जल्दी सोख लेती है और फिर यह दाल को दाग लग जाएगा। ऐसा लग रहा है कि इसमें और थोड़ा पानी लगेगा तो हाफ ग्लास मैं और डाल रही हूँ। आप अपने अंदाजे से पानी का इस्तेमाल करें क्योंकि बास दाल बहुत जल्दी गल जाती है, बास दाल बहुत धीमे से गलती है, तो इसलिए मैंने पानी इसमें और किया हुआ है। अब इसे हम फुल आंच पर एक 10 मिनट तक शाम में ही ठहर के पका लेंगे। देखिए अब ये कुक होकर तैयार हो चुकी है और मैं इतनी वाटरी रखती हूँ, बिल्कुल सूखी हम लोग को नहीं पसंद, तो आप अपने अंदाजे से आपको जैसे चाहिए आप वैसे करें। और ऐसे देखिए खिली खिली ऐसी दाल, बस परफेक्ट है ये कुक परफेक्ट हो गई है। चलिए अब हम बंद करते हैं अपना स्टोव। देखिए हमारी खड़ी दाल तैयार हो चुकी है, अब आप लोग भी बनाइए और बैचलर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी बनती है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए। जो जो भी मेरे बैचलर्स भाई हैं उन लोग को सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। चलिए ठीक है अब मैं लेती हूँ, यहाँ से चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूले। मेरी और रेसिपीज़ के लिए आई आइकन आप क्लिक करें, मेरी रेसिपीज़ लिस्ट होगी तो आपको मिल जाएगी। चलें ठीक है अब मैं लेती हूँ, अल्लाह हाफिज, एंजॉय द फूड।